हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, हमारे चैनल पर डेली आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड छोटी छोटी बड़ी से बड़ी पोस्ट का नोटिफिकेशन डेली प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, अगर आपको हरियाणा में डीसी रेट जॉब पे लगना है, डीसी रेट जॉब पे किस टाइप से लगा जाता है, उसके लिए फॉर्म कहाँ से मिलता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं डीसी रेट जॉब्स के, अगर इस टाइप की आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। क्योंकि मेरा भाई गुरबेन, आप सभी को पता है कि पूरे हरियाणा में डेली किसी ना किसी जिले के अंदर, शहर के अंदर, गाँव के अंदर डेली डीसी रेट जॉब निकल कर आती है। अगर आपको भी डीसी रेट जॉब पे लगना है तो बिल्कुल आसानी से 1 से 1.5 महीने के अंदर आप डीसी रेट जॉब पे पूरे हरियाणा में लग सकते हैं। क्योंकि हरियाणा में डीसी रेट जॉब्स के लिए आपको पता है किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं होता है, पेपर नहीं होता, डायरेक्ट मेरिट बेस पर, इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन लिया जाता है। उसी टाइप से हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भी भर्ती आती रहती है, बहुत ही ज्यादा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती आ रही है। मेरे भाई और बहन, ऐसे ऐसे अपडेट बता दूंगा किसी यूट्यूबर ने आज तक आपको बताया नहीं होगा। डायरेक्ट आपको मेरिट बेस, इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन मिल सकता है अगर आप थोड़े से अपडेट रहते हैं। अपडेट का मतलब है जो भी नोटिफिकेशन आता है उस चीज को चेक किया करो। चेक करने के बाद अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए। 1 से 1.5 महीने में आपको बिल्कुल आसानी से जॉब मिल सकती है। सरकारी नौकरी का तो आपको पता है, हरियाणा सरकार ने पिछली 2-4 साल से कोई भी सरकारी नौकरी निकाली नहीं, उसके चलते हुए हर डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसियों की जरूरत है। जहां पर भी वैकेंसियों की जरूरत है वहां पर स्टूडेंट को डीसी रेट जॉब्स के तहत, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत इकट्ठा किया जा रहा है, बच्चों को लिया जा रहा है नौकरी पर। अगर आपको भी लगना तो बिल्कुल आसानी से आप लग सकते हैं। और इसी टाइप से जो भी नोटिफिकेशन आएंगे पूरे हरियाणा के अंदर आपको समय समय पर देखने को मिलेंगे। तो मेरा भाई और बहन, जो भी चैनल पर नया है, कोई भी मेरा भाई और मेरी बहन, किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। एकमात्र ऐसा हरियाणा का अपडेट चैनल है जहां पर आपको 100% रियल जानकारी, स्टिक जानकारी, सबसे पहले जानकारी, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको रेगुलर देखने को मिलती रहेगी। पूरी वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट होता है, कुछ भी पूछना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाया करो। वहां पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर रखा है, वहां पर हमारे ऑल स्टूडेंट भी ऐड है, वहां पर आप भी ऐड हो सकते हो। एक तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको 24 घंटे न्यू अपडेट देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज, आपको फॉर्म भरते टाइम किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, कोई भी लिंक नहीं मिलता, कोई साइट में प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप हमें भेज दीजिए, टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारी जो टीम है 24 घंटे में आपको रिप्लाई करेगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका डायरेक्टली आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी समझ भी नहीं आता, अपने छोटे भाई के पास मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपका छोटा भाई 24 घंटे आपकी सपोर्ट में। और आज का हमारा बड़ा अपडेट क्या रहने वाला है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 18 भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसके फॉर्म भी स्टार्ट हो गए थे, फॉर्म भी भरे जा चुके थे। महिला अटेंडेंट की, नर्सिंग सहायक की, चौकीदार की, सफाई कर्मचारी की, कलर की, पीएन की, और ऐसे 18 भर्तियां थी जिसके फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते थे। कौन से जिले के अंदर ये भर्ती आई थी, डायरेक्ट आपको मेरिट बेस्ड इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन था इस पर, उस भर्ती को रद्द कर दिया गया। मेरा भाई गुरबन, किस कारणवश से रद्द कर दिया गया, कौन सी भर्ती थी जिसने ये फॉर्म अप्लाई कर रखा था, उसको मैं एक बार डिटेल से बताना पड़ूंगा कि आपने इस चीज का फॉर्म भरना रखा था तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, उस भर्ती को रद्द कर दिया गया। उसका कारण भी बताऊंगा क्यों रद्द किया गया। इस वीडियो को आप पूरा डिटेल से देखिए। मेरा भाई और बहन, जो भी नोटिफिकेशन आता है उसका शुरू से लेकर आखिरी तक, जिस दिन तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक कोई भी बीच में अपडेट आता है, चाहे कितने भी अपडेट आओ, कुछ भी हो, भर्ती को शुरू से लेकर आखिरी तक सारे अपडेट यहां पर आपको रेगुलर देखने को मिलेंगे। एक भी अपडेट आपका छूटने वाला नहीं है। अगर कोई भी मेरे भाई और बहन हमारे चैनल पर नया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूं, डिटेल से बताऊंगा, वीडियो पर बने रहे। ओके, मेरे सभी भाई और बहन को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, ये भर्ती मात्र ही 4-5 दिन पहले की भर्ती है। जिला स्वास्थ्य परिवार कल्याण समिति रेवाड़ी के अंदर ये आपको एक नोटिस बताया गया था, जिसकी सार्वजनिक सूचना आप सभी के सामने है, NHAM, जिसमें लिख रखा है कि तहत विभिन्न पदों पर स्टाफ नर्स की भर्ती होनी थी, लैब टेक्नीशियन की, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, इसमें सारी ये भर्तियां दे रखी थी, जिसमें आप सभी को बिल्कुल साफ साफ देख रहे हो, कम से कम ये 18 भर्तियां रहने वाली थी, 18-10 भर्तियां रहने वाली थी। ये सारे पोस्ट हैं जिसके लिए जो कंप्यूटर टेस्ट होना था, साक्षरता, जिसे 2 दिसंबर को, 5 दिसंबर को, 6 दिसंबर को एवं 7 दिसंबर को जो परीक्षा होनी थी आपकी कंप्यूटर बेस में, या इंटरव्यू होना था सिविल सर्जन कार्यालय रेवाड़ी में आयोजित किया जाना था, उसे प्रशासनिक कारणों की वजह से रद्द कर दिया गया। मेरा भाई और बहन, इसको रद्द कर दिया गया, इस डेट को अभी आपका कोई भी पेपर नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, वहां पर जाना भी नहीं है आपको, किसी प्रकार का आपका कोई भी समाधान होने वाला नहीं है। सिविल सर्जन रेवाड़ी से यह प्रकाशन आप सभी के सामने है, अभी अभी का लेटेस्ट अपडेट है। क्योंकि ये अपडेट कहां से मिली है मेरे भाई और बहन, न्यूज़पेपर की कटिंग मैं आप सभी को बता देता हूं, ये न्यूज़पेपर की कटिंग आप सभी के सामने, ये फेक नहीं हो सकती। ये जो भी चीजें दिख रही हैं आपको, सारी चीजें ओरिजिनल जानकारी मिलेगी इस चैनल पर, जो भी जानकारी मिलेगी आपको 100% रियल नहीं, 110% रियल जानकारी मिलेगी। मेरे भाई और बहन, जो भी जानकारी मिलती है ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का यही प्रॉफिट होता है, जो भी जानकारी मिलेगी रियल मिलेगी देखने में, और सारी चीजें आपको स्टिक जानकारी दी जाएगी। 2 दिसंबर को, 5 दिसंबर को, 6 दिसंबर और 7 दिसंबर को, ये 4 डेट को आपका वहां पर, जिसके अंदर कंप्यूटर दक्षता परीक्षा होनी थी, कंप्यूटर
का टेस्ट होना था, साक्षरता आपका, वहां पर इंटरव्यू टाइप स्किल टेस्ट होता, सारे वहां पर कैंसिल कर दिए गए मेरे भाई गुरबन। किसी भी प्रकार का वहां पर कोई भी इंटरव्यू होने वाला नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी कंप्यूटर टेस्ट नहीं होगा, दक्षता आपकी जो परीक्षा है वो भी नहीं करवाई जाएगी, स्किल टेस्ट आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। यह किसी कारणवश प्रशासनिक कारणों की वजह से रद्द कर दिया गया, जिसका इन्होंने डाल भी रखा था 29 तारीख की इसमें डेट में आप सभी के सामने 29 तारीख को ये प्रशासनिक हुआ था ये नोटिस, तो आप सभी के सामने है मेरे भाई गुरबन। ये किसी कारणवश जो रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया गया, वो उनकी मर्जी है। जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते रहेंगे हम आपके बीच में डायरेक्ट इसी टाइप से पहुंचाते रहेंगे। तो मेरे भाई गुरबन डायरेक्ट एक भर्ती और भी आ रखी है, अगर वहां पर आप अप्लाई करना चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। साथ में मेरे भाई गुरबन पूरी दिल्ली के अंदर इतने ज्यादा विभाग है, वहां पर भी आपको नौकरियां देखने को मिलेंगी, चंडीगढ़ के अंदर भी देखने को मिलेंगे, पूरे हरियाणा के अंदर भी। तो कोई भी मेरा भाई गुरबन अगर किसी को भी जॉब्स की नीड है तो बिल्कुल आसानी से उसको जॉब मिल सकती है 1 से 1.5 महीने के अंदर। दिल्ली के भी अपडेट आते हैं उस चीज को भी चेक करें, अगर वो चेक करने के बाद अपनी क्वालिफिकेशन अपनी एज के हिसाब से भी वहां के भी फॉर्म आप लगाते रहे करो, और फिर भी कोई भी डाउट होता है कुछ भी पूछना हो तो आप अपने छोटे भाई के पास टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपका छोटा भाई 24 घंटे सपोर्ट में है, और इसी प्रकार से न्यू अपडेट्स पाने के लिए अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।